नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान और कैमरे के पीछे आपको खूबसूरत नजारा दिखा रहे हैं राकेश गढ़िया जी। इस वक्त हम अपनी चुनावी यात्रा पर लगातार भ्रमण कर रहे हैं उत्तराखंड का, उत्तराखंड के पहाड़ों का, और नजारा देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की खूबसूरती कितनी जबरदस्त है। हम इस वक्त क्योंकि घनसाली में मौजूद हैं और सरपोली गाँव में मौजूद हैं, और सरपोली गाँव की तमाम तरह की वीडियोज हम आप तक पहुँचा रहे हैं, अलग अलग तरीकों से दिखा रहे हैं क्या क्या यहाँ पर खासियत है। सबसे बड़ी खासियत इस गाँव की जो है, जो हमने आपको बताया कि इस गाँव को मिनी जापान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के मैक्सिमम लोग जो हैं वो पहले किसी समय या तो जापान रहे या फिर दूसरे देशों में है और होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। क्योंकि उत्तराखंड में काफी सारे युवा जो है वो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हमारे काफी सारे दर्शक भी हैं जो कि होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो होटल इंडस्ट्री से जुड़ी ही बातें करेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हैं बिशन सिंह कैंतुरा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बिशन सिंह कैंतुरा जी के जापान में जो है उनके अपने रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, उन्होंने भी किसी समय शुरुआत अपनी की थी, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं होटल इंडस्ट्री में, खासतौर पर जब विदेशों में लोग जाते हैं, मुंबई में लोग जाते हैं। तो कैंतुरा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे संवाद 365 में, और काफ़ी खूबसूरत आपका ये गाँव है और जिस तरह से बर्फ़ यहाँ पर गिर रही है, खेतों में हम खड़े हैं, मिनी जापान भी इसे कहा जाता है, और विदेशों में आपके यहाँ लोग रहते हैं, आपके भी यहाँ के जापान जी, आपके भी जापान में क्योंकि आप रेस्टोरेंट हैं, लेकिन शुरुआत किस तरह से हुई थी, जैसे आम एक उत्तराखंड के युवा की होती है होटल इंडस्ट्री में जाता है, तो शुरुआत कैसे हुई और आज कहाँ पर? जी, उत्तराखंड की मैं अपनी बात करूँगा तो अपने युवाओं की जिंदगी भी बात करूँगा। मैं यहाँ से पहले शहरों में जाते हैं, दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, कहीं भी बड़े शहरों में जाके वहाँ में होटल में काम करते हैं, उसे खूब एक्सपीरियंस लेके फिर अपना बाहर के लिए मतलब अपना कर देते हैं, बाहर के लिए कहीं के लिए भी पासपोर्ट वगैरह बना के अपना वीज़ा का अप्लाई करके इंटरव्यू दे करके खूब मेहनत करके बेचारे बाहर जाते हैं हम लोग, और बाहर जाने के बाद फिर वहाँ भी अच्छे से मेहनत करते हैं, तो उसमें कुछ लोग जो हैं कुछ दिनों के लिए जाते हैं, कुछ सालों के लिए जाते हैं, कुछ लोगों को वहाँ अगर रास आ जाता तो वहीं अपना बिजनेस करने की सोचते हैं और कर भी लेते हैं, लोग बिजनेस करते भी रहते हैं, तो कोई रेस्टोरेंट खोल देता है, कोई उसके साथ में पार्टनर बन जाते हैं, बहुत सारे मतलब वो हैं जी। चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते होंगे क्योंकि हमारे आसपास के भी हम लोगों को देखते हैं तो बहुत कम उम्र में, क्योंकि फैसिलिटीज़ तो ज़्यादा है नहीं उत्तराखंड के कई गांव में, 10वीं 12वीं पास करने के बाद मुंबई चले जाते हैं, चुनौतियाँ काफ़ी सारी होती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ भाई साहब, इसी कारण से हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं बाहर जाते हैं और चुनौतियों का सामना करते हुए मतलब काफ़ी विदेशों में काफ़ी लोग चले गए हैं अभी। तो आपके क्योंकि जापान में रेस्टोरेंट हैं, किस तरह से ज़िंदगी वहाँ पर होती है, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि होगी जब इंडिया से या फिर उत्तराखंड से कोई आपके यहाँ आता है भ्रमण पर, कोई सेलिब्रिटी आता होगा इंडिया का? जी, हमें बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, जो अभी कुछ सालों पहले, अभी तो बेचारे नहीं हैं वो लोग, राजेंद्र कुमार जी हैं और प्राण हैं, सुनील दत्त जी हैं, और अभी माननीय श्री निशंक जी भी आए थे, तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, और वो लोग हमें देखे उनको भी गर्व होता है कि हमारे लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो फिर अच्छा लगता है सबका जी। आपका क्योंकि जो ये गांव है, यहाँ पर आज पूजा भी थी, मानंदा की पूजा अर्चना की गई जी, तो घर आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ऋषिकेश में आपका आवास भी है, जापान में आपके रेस्टोरेंट हैं, व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा होती होगी, तो गाँव को कैसे मैनेज करते हैं? बस जुड़ाव होना चाहिए जी, हमें अपने भूमि से काफ़ी जुड़ाव रखते हैं हम लोग अपने इधर से। हाँ जी, जिस खेत में हम खड़े हैं, आपके खेत हैं? जी, हमारे खेत हैं जी। तो हाँ, तो बिशन सिंह जी के ये खेत हैं, और जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बताया कि जापान में उनके रेस्टोरेंट हैं, ऋषिकेश में भी वो रहते हैं, लेकिन बराबर गांव आना जाना लगा रहता है, महीने दो महीने तीन महीने। जी, हमें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार है और हमारी जन्मभूमि भी यही है, भले कर्मभूमि से भी प्यार करते हैं, जन्मभूमि से भी प्यार करते हैं जी। कर्मभूमि से भी प्यार है, जन्मभूमि से भी प्यार है, और जन्मभूमि जब इतनी खूबसूरत हो, प्यार अपने आप बढ़ जाता है। तो अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, क्योंकि काफ़ी हमारे होटल के दर्शक होंगे जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े होंगे, कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, अक्सर सुनने में आता है कि 4-5 लड़के दुबई फंस गए, इतने लड़के यहाँ फंस गए, कैसे फंसते हैं और किस तरह की चीज़ें होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत होती है, फिर फ्रॉड इन लोगों के साथ होता होगा, युवाओं के साथ? सर, उसमें क्या हो जाता है, इसमें से मैं अब क्या बोलूँ, कुछ हमारे ही लोग हैं ना, कुछ हमारे लोगों में से कुछ लोग मतलब थोड़ा वो कर देते हैं, थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं, बोले या कोई बदमाशी कर लेते हैं मान लीजिए, इसलिए बहुत सारे लोग विश्वास कर लेते हैं लेकिन धोखा खा जाते हैं, इसलिए फंस जाते हैं, बाकी तो फिर है ना। तो मतलब जांच परख करके सब चीज़ों को करना जी, चाहिए जी, आपका अपने जांच परख करना चाहिए ना। जी जी जी, आजकल तो सब डिजिटल सिस्टम हो गया, आजकल अपने वेबसाइट से पता कर सकते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, MSC से मतलब पूरी जानकारी लेनी चाहिए, तो इसमें तब ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है अभी। हाँ। तो होटल इंडस्ट्री में भी क्योंकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, किचन का अलग होता है, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी, मेरी शुरुआत तो मतलब किचन डिपार्टमेंट से ही हुई है। हाँ जी, तो मतलब आप एक शेफ हैं? जी, शेफ से काम है, बम्बई में पूरा काम सीखने के बाद उसके बाद मैं जापान गया हूँ, जापान में कुछ साल रहने के बाद मान लीजिए 15-16 साल तक मैंने कंटिन्यू काम किया, मैंने उसके बाद सोचा मैंने चलो
जो इतना लंबा यहाँ रह गया तो कुछ अपने भी रेस्टोरेंट करके देखते हैं, जैसे दूसरों को देख के जो हमारे बॉस लोग थे तो चलाया चल रहे हैं जी। हाँ, अभी दो रेस्टोरेंट हैं जी, तो दो रेस्टोरेंट है, लेकिन 15-16 साल की मेहनत लगी है उन दो रेस्टोरेंट को खड़ा करने के पीछे आपकी। अच्छा, क्योंकि आप खुद शेफ रहे हैं, अगर हम बात करें इंडियन फूड की तो क्या क्या डिमांड्स रहती हैं, चाहे जापान हो, जापान में भी इंडियन फूड होता होगा या फिर अन्य जगहों पर भी रहता है, तो इंडियन फूड क्योंकि फेमस है काफ़ी ज़्यादा, दुनिया के लोग खाना चाहते हैं, किन किन फूड की डिमांड सब ज़्यादा है? इंडियन फूडों की ज़्यादा करके तो नॉन वेज ही ज़्यादा खाते हैं वहाँ के लोग, तो नॉन वेज हो गया, जैसे तंदूरी आइटम्स भी बहुत सारे पसंद किए जाते हैं वहाँ। हाँ जी, बटर चिकन वगैरह जी, नाम बोले तो बहुत सारे बटर चिकन है ना, चिकन अफगानी है, बहुत सारे आइटम है जी जी। तो ये सब चीज़ें रहती है, इनकी डिमांड रहती है बाकी कुछ हम लोगों को ना कुछ फ्यूजन तरीके से जापनीज, जैसे जापनीज को टेस्ट को भी इंडियन टेस्ट में मिला के उसको भी हम अलग से मतलब रेसिपी बना के उसको भी भेजते हैं हम लोग उधर, तो वो भी खूब पसंद किया जाता है वहाँ ना, क्योंकि उनका टेस्ट बनाना भी बहुत ज़रूरी है जी, उसको भी पसंद किया जाता है। एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे होटल इंडस्ट्री के लड़के जो हैं वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, कहते हैं कि एक शेफ़ की लाइफ बड़ी चैलेंजिंग होती है, घंटों घंटों तक काम करना पड़ता है। जी जी, चैलेंजिंग तो है, कम से कम 9-10 घंटों मान के तो चलिए आप, इतना तो करना ही पड़ेगा, वो अपनी रेसिपी बनानी होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर जी जी, विदेशों में अगर थोड़ा सा भी किसी चीज़ में अगर थोड़ा डिफेक्ट निकल गया तो काफ़ी मतलब परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं और जिम्मेदारी निभानी पड़ती है जी। अच्छा, ये आपके गांव के बारे में अगर हम बात करें, और तो नज़ारे भी यहाँ पर खूबसूरत हैं काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों का आना जाना भी होता है 2-3 महीना में जी जी, तो क्या मानते हैं कि डेवलपमेंट हो, सुविधाएं हो जी, तो यहीं बसा जाए? जी जी जी, ज़रूर ज़रूर, अभी अभी हमारे यहाँ थोड़ा सड़क भी बन रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा उत्तराखंड ही क्या, हमारे गाँव से लेकर हमारा उत्तराखंड काफ़ी तरक्की करना चाहिए और होना भी चाहिए जी, तो अगर हमारे यहाँ अच्छा हो जाएगा तो ज़रूरी नहीं हमने जापान में रेस्टोरेंट बनाया, यहाँ भी कुछ काम कर सकते हैं, अपना कुछ व्यापार कर सकते हैं, किसी को रोज़गार दे सकते हैं, तो अच्छा लगता है, अपने लोग जब कहीं है ना कामयाब होते हैं, सक्सेस होंगे तो जी। तो उसके लिए पहले जो है सरकारों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो जी, और जो चीज़ आप जापान में रह करके कर रहे हैं वो यहाँ पर रह कर भी कर सके। काफ़ी सारे दर्शक आपको हमारे देख भी रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? होटल इंडस्ट्री वाले भी होंगे, युवा भी होंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जी? होटल इंडस्ट्री वालों से लेकर मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, अपना काम किए, खूब मेहनत कीजिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा और आगे बढ़ने की सोच रखिए, ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे, आप ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे जैसे बिशन सिंह जी आगे बढ़े हैं, और 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने अपने दो रेस्टोरेंट जो हैं जापान में शुरू किए हैं, वहीं पर फैमिली भी वहीं पर रहती है जी? जी, फैमिली तो करे आती जाती रहती है, कभी ऋषिकेश में बच्चों को मैंने यहीं पढ़ाया है जी, तो मतलब आते जाते रहते हैं। हाँ जी, ऋषिकेश, जापान और हमारा सरपोली उत्तराखंड जी, जी। तीन जगहों पर चलता रहता है कुल मिला के, दिल जो है इन्हीं वादियों में बसता है, बर्फ की वादियों में दिल यही है, फैसिलिटी इधर कम है लेकिन दिल यहीं लगा हुआ है ज़्यादा जी। अच्छा, क्या मानते हैं आप यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य क्या होना चाहिए? जी, सब चीज़ होना चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए, सड़कें भी होनी चाहिए, अगर सारी फैसिलिटी यहाँ हो जाएंगे तो हम भी जापान से कम थोड़े नहीं होंगे, हम भी तो टूरिज्म की भी संभावनाएं हैं, संभावनाएं यहाँ देखिए आज बर्फ़ पड़ रही है, अगर आप स्विट्जरलैंड से भी कंपेयर कर सकते हैं आज, क्योंकि जो बुरी चीज़ है वो तो छुपी हुई ना बर्फ़ से, नहीं अच्छी सब अच्छा, अच्छी रौनक लग रही है, अच्छा दिख रहा है सब जी, सीनरी भी अच्छी है, व्यू बड़ा अच्छा है, और आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिशन सिंह जी। तो ये थे बिशन सिंह जी, जिनके जापान में जो है अपने रेस्टोरेंट हैं, और एक लंबा संघर्ष उन्होंने होटल इंडस्ट्री में किया है, जैसे कि उत्तराखंड का हर युवा करता है होटल इंडस्ट्री में, और क्योंकि बर्फ भी काफ़ी ज़्यादा लगातार यहाँ पर गिर ही रही है, टेक्निकल चीज़ें भी होती, इक्विपमेंट खराब ना हो जाए, इसलिए आप लोगों से विदा लेने का वक्त है, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारे जो हैं उत्तराखंड के, हर कोई चाहता है कि वापस अपने गाँव जाया जाए, चाहे वो जापान में रहने वाले बिशन सिंह जी हों या फिर जिन लोगों से हमने बात की है, उनका यही कहना था अगर फैसिलिटीज़ हो जाए, सुविधाएँ हो जाए, तो क्योंकि आना जाना तो उनका लगा ही रहता है, 2-3 महीने में आ ही जाते हैं अपने गांव, अगर और फैसिलिटी हो जाए तो जो काम जापान में वो कर रहे हैं उसको उत्तराखंड में भी आकर के कर सकते हैं, तो इन चीजों पर सरकारों को भी ध्यान देने की जरूरत है। चुनावी यात्रा जारी रहेगी, सरपोली से विदा लेने का वक्त है, कैमरे के पीछे है राकेश गढ़िया जी, मैं दिग्विजय सिंह चौहान, नमस्कार।